आर रिप्रेजेंटिंग लंबन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। 15 मिनट बर्दाश्त करना पड़ेगा आप लोगों को मुझे, और बहुत सारी चीजें हम आप लोगों से भी सीखेंगे। और बिल्कुल हम आप और भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है ये पायनियर सोसाइटी। ये प्रैक्टिकली मैं आपको वो बर्ड दिखा रहा हूँ जो रिसेसिव जीन के लिए, ठीक है जी। क्यों बच्चे आपके स्टूडेंट्स को तो सारा पता है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये फॉल्ट्स हैं, आप लोगों ने इस तरह। देखिए मैं आई बीन वर्किंग एज अ कैरियर काउंसलर एज वेल। जो चीज़ आप कभी कभी पढ़ते हैं हम वो डेली प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करें। वी कैन बिकम अ ब्रिज बिटवीन यू पीपल एज ए पेट। 1, 2, 3, 4 पेयर अगर आप ब्रीड करवाना शुरू कर दें तो मैं गारंटी करता हूँ कि विद इन फ्यू ईयर्स आप किसी भी जॉब से ज़्यादा अर्निंग जो है वो इस बर्ड कीपिंग से कर सकते हैं। कॉल्ड एविकल्चर। ग्रीन बर्ड नजर आ रहा है, दिस वन। ये हम कह सकते हैं कि क्लोजेस्ट टू, यानी कि फिनोटाइप है, दिस इज क्लोजेस्ट टू वाइल्ड एक्सलिंक्ड है, इसमें मेल डोमिनेंट है। शेड्स है, शेड्स को बता रहा हूं, ठीक है। दिस इज स्टिल नॉट द मेडिटेशंस मेक दिस बर्ड ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव एज वेल एंड दे हैव अ वेरी lovely sounds. And most of these birds are the progeny of the imported birds, where these birds won the world competition. Like there is an organization, we call it BVA. So these are the progeny of the BVA champions. Okay. So without wasting any time, I will invite, first of all, I welcome Bari sir and Tati sir. For coming here, and I'm really very thankful because they are very busy people, and without any delay, I welcome Mehmoodi Yusuf. Assalamu alaikum everyone, good to see you all, the youth of Pakistan, and thank you so much Dr. Saab for inviting us. We here as a team, and we are representing Lovebird Society of Pakistan. In the beginning, I want to give a little introduction what we are actually doing and what is the purpose of this organization, and how the lovebirds and other birds are impacting our life. Lovebird Society of Pakistan is a non-profit organization, or jo ke Pakistan mein we have been working for past 5 years for the promotion of lovebird. अगर आप टेक्निकली थोड़ी सी इस पर मैं आपको कहूँ तो आई एम 100% श्योर कि जो टेक्निकल नॉलेज है वो आप लोगों के पास टर्मिनोलॉजीज और डेफिनेशंस की फॉर्म में वो हमसे बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारी चीज़ें हम आप लोगों से भी सीखेंगे। और बिल्कुल हम आपको पढ़ाने नहीं आए, और बिल्कुल हम आपको बोर करने नहीं आए। आई बिलीव के इंटरेक्टिव होगा, और आप लोग कुछ हम आपसे सीखेंगे और कुछ चंद बातें हम आपको बताएंगे। लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का जो मैं आपको बता रहा था, हम लोग करते क्या जी कि हम लोग शोज पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो लवबर्ड जो एक आपकी जो पूरी बर्ड्स की फील्ड है उसका एक छोटा सा बर्ड है, और इसमें 9 इसकी फैमिलीज हैं बेसिकली, जिसमें कुछ लोग अगर बर्ड्स के शौकीन या बर्ड किसी ने अपने से कभी घर में रखा, ओके ओके, और वो कौन सा वाला बर्ड था, वो छोटा बजरीगर या लवबर्ड? बजरीगर। लवबर्ड, ये जो बर्ड नजर आ रहा है फेमिलियर है थोड़ा सा, देखा देखा लग रहा है, ठीक है जी। इट्स अ स्मॉलेस्ट पैरट, ठीक है। तो हम लोग उसमें अब ये क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह नई फील्ड्स हैं, जैसे आप लोग जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। कुछ अर्सा पहले जब आपके जो प्रोफेसर मैन से जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि इतनी डिटेल स्टडीज इसके अंदर हो रही हैं जीनोम से रिलेटेड, और जो आप लोग कर रहे हैं इन फ्यूचर, तो उसी तरह ये बर्ड भी आपसे, आप इससे शायद मिले नहीं आई लेकिन ये आपके बहुत क्लोज है, ठीक है। क्योंकि जो सारा कुछ आप पढ़ते हैं ना वो हम प्रैक्टिकली उसका कुछ पार्ट इन बर्ड्स पे अप्लाई करते हैं उनकी जेनेटिक्स की फॉर्म में। तो हम लोग शोज करवाते हैं, शोज में बर्ड्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं, बर्ड को ब्रीड कैसे कराना है, बेसिक कीपिंग क्या है, और इनके लिए जो वायबल एनवायरमेंट्स है वो क्या है, जो आपने इनको फीड देनी है वो क्या है, ये सब कुछ पाकिस्तान कर रही है। उसके बाद
ये जो बर्ड्स हैं ये आपके फील्ड से किस तरह रिलेटेड है थोड़े से? तो अच्छा मुझे ये बताएं, जिन्होंने बर्ड्स रखे थे क्या उन्होंने कभी ब्रीड करवाया, कोई बच्चे अंडे आए उसके, और वो जो बच्चे उसमें से निकले वो वैसे ही थे जैसे पेरेंट्स थे, आइडेंटिकल थे बिल्कुल? और किसी और के पास कोई और एक्सपीरियंस हुआ हो कि ब्लू बर्ड्स लगे हों और वाइट निकल आया हो? तो जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि पेरेंट्स कुछ और थे और उन्होंने रिजल्ट्स कुछ और दिए, तो ये क्यों हुआ, कोई बता सकता है ऐसा कैसे हो सकता है कि पेरेंट्स से डिफरेंट आ गए? राइट राइट। और रिसेसिव के अलावा अगर हम बात करें तो उसका कलर येलो क्यों नहीं हुआ? ओके। और मे बी उसका बॉडी कलर बड़ा वो डार्क ब्राउन हो जाता और आईज रेड हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक्स का रोल प्ले हो रहा था, यहाँ पे वो चीजें चल रही थी जो आप लोग पढ़ते हैं कि वो जो सेल्स और उनके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स और वो जो जीन्स कैरी कर रहे हैं वो रिसेसिव हैं जैसे कि आपने बताया, ठीक है जी। और उन्होंने जब नेचर ने उनकी एमलगमेशन की तो एक ऐसी चीज निकली जो कि उन अपने पेरेंट्स से डिफरेंट थी। अच्छा इसके अलावा क्या है? थोड़ा सा मुझे इतना ही पता ऑनेस्टली स्पीकिंग, डोमिनेंट रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड के अलावा कोई और ऐसी जीन्स है या कोई और ऐसा बिहेवियर जो आप लोगों को पता हो? को डोमिनेंट क्या करेगा? अच्छा ये बर्ड, ये वाला, योर गुड नेम जी अमना, अभी जो आपने जो उसकी रिसेसिव जीन्स की बात की, तो ये प्रैक्टिकली मैं आपको वो बर्ड दिखा रहा हूँ जो रिसेसिव जीन कैरियर है, ठीक है जी। अब देख रहे हैं कि इसमें अल्बिनिज्म भी है, हम इसको अल्बाइनो कहते हैं, क्यों? अच्छा ये वाइट क्यों हो गया तो बता सकता, इसके बॉडी कलरेशन क्यों नहीं आ रही है, ये ब्लू क्यों नहीं है या डार्कस्ट शेड में क्यों नहीं है? सॉरी ओके, क्योंकि वो जो रिसेसिव जीन है उसने इसमें, जिसको हम थोड़ा बहुत वो करते हैं, आप उसको ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में बता सकेंगे, इसमें इसकी जो रिडक्शन है मेलानिन जो हमारे वो 100% रिड्यूस हो गई है एल्बिनिज्म की वजह से। इसी तरह जो आप येलो बर्ड देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड लटीनो, ठीक है जी, हम इसको अल्बाइनो कहते हैं, ब्लैक है इसकी आइज, ब्लैक है, ये रेड आई में भी हो सकता है, लेकिन इट्स अ स्प्लिट टू इनो, इनो इज अ रिसेसिव जीन, ठीक है जी। तो ये बर्ड जब इस येलो बर्ड के साथ लगेगा तो कोई बता सकता है कि क्या रिजल्ट आएगा? एनी आइडिया? येलो क्यों? डॉक्टर साहब आपके स्टूडेंट्स को तो सारा पता, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा ये चीज बींग अ ब्रीडर सीखते हुए हमें टाइम लगता है, क्योंकि जब हम बर्ड्स को ब्रीड कराते हैं तो हम पहले वी हैव टू सेट द गोल्स कि अगर हम दो बर्ड्स को ब्रीड कराएं तो उनके रिजल्ट्स क्या आएंगे, फॉर दैट वी हैव टू स्टडी। और क्योंकि हम जेनेटिक्स को इतना नहीं समझते और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, तो देर आर न्यूमरस बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट जिसको आप पढ़ के और उनके जेनेटिक बिहेवियर्स को सीख सकते हैं। तो ये जो आपने कहा ना कि येलो वाला बर्ड जिसको मैं लेटिनो कह रहा हूँ वो दैट इज डोमिनेंट बिकॉज ऑफ द ग्रीन। अच्छा क्या ऐसी कोई सूरत हो सकती है कि इसमें से वाइट बर्ड भी है? कैसे? क्यों? एक तो ग्रीन है वो डोमिनेंट है, अभी हमने बात किया, तो क्यों आएगा फिर वाइट? देखें मैं आई हैव बीन वर्किंग एज अ करियर काउंसलर एज वेल, और मैं स्टूडेंट्स के रिज्यूमे बिल्डिंग्स पे और ऑर्गेनाइजेशनल में जब वो अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू में आप में क्या क्या चीज़ें हैं और आपने किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है उस पर आई हैव सम एक्सपीरियंस। और जब मैंने एमबीए किया था तो मेरा बड़ा भाई ही वॉज अ बैंकर एट दैट टाइम, तो मुझे पता था मैंने बैंकर बनना है, वो क्यों? क्योंकि मेरा बड़ा भाई बैंकर था, मैंने भी उधर ही जाना, मुझे तो और कुछ पता ही नहीं था। और इसी तरह हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं जनरल सोसाइटी के अंदर जो रूटीन के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, यार आजकल ये ट्रेंड है तो ये बन जाए। आप बींग अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट ये इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि सिर्फ और सिर्फ ये थोड़े से बर्ड्स की जेनेटिक्स को समझने के बाद मैं समझता हूँ कि एक ऐसा काम है जिसमें रेवोल्यूशन आ सकता है। आपके प्रोफेसर साहब से एक दिन मैंने रिक्वेस्ट की थी थोड़ा सा टाइम, इन्होंने मेरे लिए स्पेयर किया और इन्होंने मुझे कुछ सेल्स और कुछ वर्किंग्स वो पैलेड की और पेल की, वो जो हमारा है ना जी जो हम रिजल्ट्स की बात कर रहे थे, वो डॉक्टर साहब ने मुझे समझाई,
वो जब डॉक्टर साहब ने ड्रॉ करना शुरू किया ना, तो एक सेल जिसका जिसको मैंने कभी इतना डिटेल शायद मैट्रिक में जो बायोलॉजी पढ़ी होगी तो मुझे पता होगा कैसे होता है, ये उसके अंदर पता नहीं कितने डॉक्टर साहब ने धागे क्रिएट किए, वो थ्रेड टाइप थिंग्स, और इधर जा रहा है रहीम, ये इधर जा रहा है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं इसे आगे मैं नहीं जा सकूंगा, मेरी लिमिट यहीं तक थी। देखते कि हम किस तरह काम कर रहे हैं अपनी बर्ड एवरीज के अंदर और जेनेटिक्स का वो हम कैसे लेके चल रहे हैं प्रैक्टिकली। जो चीज़ आप कभी कभी पढ़ते हैं हम वो डेली प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं, यानी कि इस तरह के 200 प्लस पेयर्स हम सब लोगों के पास, किसी के पास 100, फैजी भाई के पास, इनके पास 200 डिफरेंट म्यूटेंट्स, डिफरेंट पेयर्स हैं जो हम ब्रीड करा रहे हैं वहाँ पे, और हम डेली लोगों को भी बता रहे होते हैं और खुद भी नोट कर रहे होते हैं इसमें से क्या रिजल्ट आएंगे, कैसे आएंगे, वो परसेंटेजेस जो भी आपने बताई वो किस तरह निकलेंगी। फिर उनके प्रैक्टिकली जब वो ऑफस्प्रिंग आते हैं, आपको पता है उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस की जगह सम टाइम कुछ डिफरेंट कलर्स भी आ जाते हैं, आ सकते हैं ऑफसाइडर के बारे में किसी को पता है? ऑफसाइडर डिफरेंट एनिमल्स में आता है, किसी को आइडिया? बिल्कुल, बजीज में, इवन फ्रॉग्स में, इवन एंट्स और फ्लाइज में भी आता, स्नेक्स में भी आता। इस पे आप लोग कोई रिसर्च करें, एक आप लोगों के लिए मे बी आई डोंट नो किस तरह के प्रोजेक्ट आप लोग करना पसंद करते हैं, लेकिन हाफ साइडर क्या है? इट्स वेरी इजी, तो मैं आपको ओके ओके थैंक यू। अच्छा जी, उसमें जी वो जो हाफ साइडर है बर्ड, उसमें बिल्कुल मेरे से आदमियों समझ लें कि मेरा मैं जो खड़ा हुआ तो मैं लेफ्ट से ग्रीन हो जाऊं और राइट से रेड हो जाऊं, इवन आईज भी, ठीक है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज लगती है, और सम टाइम वो बर्ड ऐसे बैठा हो तो वो ग्रीन है, और एक पिक्चर फॉरेन रीडर उसने लगाई हुई तो बर्ड इधर से ग्रीन नजर आ रहा है, और उसने जैसे ही उसको वो वीडियो को वहीं रखा और बर्ड थोड़ा सा टर्न हुआ था ब्लू हो गया, तो हमें तब नहीं पता था, तो हमने सोचा कि पता नहीं ये क्या चीज है, फेक है, उसने कोई फोटोशॉप किया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। जो आप लोगों के लिए भी हो, शायद हो, हम बींग अ एविकल्चरिस्ट इसको देखते हैं कि हर साल कुछ ऐसी नई म्यूटेशंस दुनिया के अंदर आती हैं बर्ड्स में जो कि हमें भी नहीं पता होता, जो बुक्स में नहीं लिखी हुई। म्यूटेशन आती कैसे? अच्छा ये चलें बता, कहेंगे हम इसको कह सकते हैं? नो, बिल्कुल। अच्छा, उस वो जो फॉल्ट आ गया है, क्या उसके बच्चों में भी वो फॉल्ट आना जरूरी है उस म्यूटेशन के कि नहीं? नहीं है, इनहेरिट करेगा? अगर ना करे तो क्या कहेंगे उसको? नहीं, हम उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं डॉक्टर, मतलब हम बर्ड की फील्ड में हम कहते हैं कि वो मॉडिफाई हुआ टेम्परेरी। मैंने जो थोड़े बहुत वर्ड्स ये जेनेटिक से रिलेटेड जो सेक्स रिसेसिव कोडोमिनेंट डोमिनेंट जीनोम्स ये मैंने बस बाद में पढ़े हैं और मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा पता है, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि वी कैन बिकम अ ब्रिज बिटवीन यू पीपल जो बुक्स को पढ़ रहे हैं और हम लोग जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो ये जो बर्ड्स का है जी, इसको आपने जरूर स्टडी करना है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एविकल्चर पाकिस्तान के अंदर। ये किस तरह लाइफ चेंजिंग है, किस तरह थियोरोप्योटिक है, इट्स एन एक्टिविटी और इट्स वेरी सूदिंग, और बाय द एंड ऑफ द डे इट गिव्स यू अ गुड इकोनॉमिक बेनिफिट एज वेल, क्योंकि जो यहाँ पे फार्म्स रन कर रहे हैं हम जैसे लोग और बहुत सारे लोग, वो इसमें इसको जो बर्ड्स हैं वो दुनिया में, पाकिस्तान में भी सेल परचेज होते हैं, दुनिया में भी डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं, तो इट्स अ बिग फील्ड। आप में से बहुत सारे लोग आई वुड सजेस्ट कि इसको ज़रूर स्टडी करें और ये देखें कि क्या एज अ कैरियर पाथ इन फ्यूचर आप इस फील्ड के अंदर अपना रोल प्ले करें। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को बोर कर दिया, तो मज़ीद बोर ना करने के लिए मैं मोहसिन भाई को आई वुड लाइक टू कि आप आए हैं रोस्टम पे और थोड़ा सा आप अपने पंद्रह मिनट बर्दाश्त करना पड़ेगा आप लोगों को। मुझे बिलेटेड बर्थडे होती है, इसी तरह बिलेटेड अस्सलाम वालेकुम। रहीम भाई ने तकरीबन सब कुछ ही जो एक्सप्लेन कर दी है, मैं अब उसमें कुछ ऐड ऑन तो नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि लबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ आया हूँ, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने जो हमें मौका दिया इंटरेक्शन का। तो लबर्ड सोसाइटी, जैसे रहीम भाई ने बताया, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और ये मदर सोसाइटी है पाकिस्तान में, पाइनियर है। जैसे आप
को पता होगा कि बैंकिंग जब पाकिस्तान में स्टार्ट हुई थी तो पहले बैंक्स में से सिटी बैंक पाकिस्तान में आया था, उसके बाद फिर अल्फला बैंक आया, फैसल बैंक आया, अब जितनी भी जो है वो ग्रोथ हुई है बैंकिंग सेक्टर में। इसी तरह सोसाइटीज और भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है ये पायनियर सोसाइटी है और इसने ये ट्रेंड जो है वो स्टार्ट किया है पाकिस्तान से, और 2016 से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अब सोसाइटी का फंक्शन क्या है, आपके जेहन में भी ये सवाल आएगा कि सोसाइटी है किस लिए। इसी तरह जो नए फैंसियर्स आते हैं, नए ब्रीडर्स आते हैं, उनके जहन में भी ये सवाल होता है, वक्तन फवक्तन जो पुराने लोग हैं वो भी ये बात पूछते हैं कि सोसाइटी का रोल क्या है। तो वंस फॉर ऑल आपको भी, और ये चूंकि इसकी वीडियो भी हो रही है तो ये सब लोगों को ये मैसेज चला जाएगा कि सोसाइटी का रोल क्या है इस एग्रीकल्चर में। जिस तरह आप लोग यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से पहले यूनिवर्सिटी में आपको ट्रेंड किया जाता है और एजुकेट किया जाता है कि ये राइट वे है और ये रॉन्ग है, आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये करना है और ये नहीं करना। यूनिवर्सिटी आपको इस चीज की गारंटी नहीं देती कि जब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट कर जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ही होंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस पाथ को चूज किया है, किस डायरेक्शन में अपने आप को लेके चले हैं, उससे फिर डिटरमिन होता है कि आया आप कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। इसी तरह जो सोसाइटी है इसका काम लवबर्ड में लोगों को एजुकेट करना है, किसी भी सोसाइटी का काम, कि ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये फॉल्ट्स हैं, आप लोगों ने इस तरह ब्रीड करवाना है, इस तरह अपने जो है वो इस हॉबी को लेके आपने चलना है। अब डिपेंड ये फैंसियर पे करता है कि उसने किस लाइन को पकड़ा है और आया वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ। सोसाइटी का इस चीज से लेना देना बिल्कुल नहीं है, सोसाइटी इस चीज की गारंटी कभी भी नहीं करेगी कि आप बर्ड कीपिंग करें तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। वही बात है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, जेनेटिक्स है, वो गाइड करेगी सोसाइटी आपको। उसके बाद ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना फ्लरिश किया है, किस तरीके से आपने अपने आप को कैरी किया है। अगर आप लव बर्ड्स की कीपिंग करेंगे, देखें यूनिवर्सिटी से अगर आप अपने आपने ये लाइन जो है सिलेक्ट की है बायोटेक्नोलॉजी की, तो अल्टीमेट गोल हर इंसान का ये है जब यहां से पास आउट करे प्रैक्टिकल लाइफ में जाए तो अर्निंग करे, यकीनन जो है वो सबका गोल यही है। तो अगर आप जेनेटिक्स को जानते हुए बर्ड्स कीपिंग स्टार्ट करें, इसको एज ए फार्मिंग ना भी करें, एज ए पेट 1, 2, 3, 4 पेयर अगर आप ब्रीड करवाना शुरू कर दें, तो मैं गारंटी करता हूं कि विद इन फ्यू ईयर्स आप किसी भी जॉब से ज्यादा अर्निंग जो है वो इस बर्ड कीपिंग से कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, एक नए बंदे के लिए, अब जैसे मैं मिसाल देता हूं, घड़ी किसी भी आम बंदे को पता है 500 की है, 1000 की है या 2000 की है मैक्सिमम, लेकिन जिन लोगों को घड़ियों का शौक है या जो इस फील्ड में है उन्हें पता है कि ये करोड़ों रुपए की घड़ी भी होती है। इसी तरह आम बंदे के जहन में जो एक परिंदे की कीमत है वो 300 से 500 रुपए है, लेकिन यहाँ जो 5 बॉक्सेस में ये टोटल बर्ड्स है ना, मेरा ख्याल है इनकी वैल्यू 2-3 लाख रुपए से ज्यादा है। ये आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होगा। और इसमें इसी तरह के बर्ड्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस जो है 1.5 मिलियन है एक बर्ड की। जब आप इस फील्ड में आएंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि किस तरह जो है वो लोग इसको एज ए इंडस्ट्री और एज ए फार्मिंग जो है वो करके कितना रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। और लेडीज खास तौर पे जो घर में रह के जो बाहर नहीं जा सकती, जॉब नहीं कर सकती, इतनी लेडीज हैं, चूंकि सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे मोर देन 100 लेडीज का ग्रुप है लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का, जो घर में रह के बर्ड की फार्मिंग कर रही हैं और अर्निंग माशाल्लाह उनकी लाखों में है मंथली। तो ये एक आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही मैंने कहा कि कीमत लाखों में है या 1.5 मिलियन है, तो आप में से काफी चेहरे हैरान हुए, क्योंकि आप लोगों को पहले इसका आइडिया नहीं था। आपको नींद आ रही है? अच्छा, ज्यादा बोल दिए। तो ये एक छोटा सा जो है वो था।
वो चिरपिंग शुरू हुई है, वो जैसे बर्ड्स रिलैक्स हुए ना थोड़े से, तो जैसे ही मेरी बोलने में जो है वो तवक्कफ आया तो लोगों ने यानी कि पता चला है कि मुझे पहले लगा था स्टैचूज बैठे हुए। तो अगर आपके बर्ड से रिलेटेड या जेनेटिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर, ताकि ये मजीद बोर ना हो और आपको नींद ना आए, तो अगर कोई सवाल जो आप करना चाहें तो जो है वो इसमें जो स्टैंडर्ड साइज है ना, जो इंटरनेशनली जो शो बर्ड होता है उसका जो साइज है 14 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर तक होता है। अब इसमें बहुत स्लाइटली वेरिएशन होती है साइज की। अब जो बर्ड कीपर है जो वो देख लेता है कि दो बर्ड पैरेलल अगर पड़े हैं आपस में तो कौन किसका साइज अच्छा है किसका साइज अच्छा नहीं है। रेंगाई ने भी बताया ये जो बर्ड है ना, जो आपको जो ग्रीन बर्ड नजर आ रहा है दिस वन, ये हम कह सकते हैं कि क्लोजेस्ट टू यानी कि फिनोटाइप है, दिस इज क्लोजेस्ट टू वाइल्ड टाइप ये ग्रीन बर्ड। लेकिन कैप्टिविटी में हम इसको अगेन वो स्प्लिट बना लेते हैं, रिसेसिव जीन का, ब्लू का, इनो का एडिशन कर लेते हैं दूसरे जीन, लेकिन देखने में वो बर्ड बिल्कुल ऐसा होगा। वाइल्ड आपने लफज बोला है, वाइल्ड टाइप, दुनिया में वाइल्ड में जो बर्ड रह गए ना लव बर्ड वो बहुत कम है। अब उससे रिजेंबलेंस वाला या उसकी ऑफस्प्रिंग जो आगे ब्रीड होते हैं इसलिए फिर उन्हें वाइल्ड टाइप बोला जाता है। वाइल्ड बर्ड ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो गए हैं, इसीलिए उनको इसमें, अब जैसे ये फिनोटाइप ये ग्रीन है, इसमें वाइल्ड टाइप होता है फिर ग्रीन होता है फिर प्योर ग्रीन होता है। अब जो ग्रीन बर्ड है वो हाइड्रो हो सकता है, ब्लू का भी, किसी भी रिसेसिव का या सेक्स लिंग का, लेकिन जो प्योर ग्रीन है, प्योर ग्रीन उसे बोलते हैं जो विदाउट एनी एडिशन ऑफ म्यूटेशन, दो ग्रीन बर्ड आपस में कंटिन्यूअसली 5 साल मिनिमम ब्रीड हो, कुछ फॉरनर्स बोलते हैं कि 15 साल हो, उसके बाद जो उसमें से ग्रीन बर्ड आएगा उसे प्योर ग्रीन बोलते हैं, लेकिन वो भी वाइल्ड टाइप नहीं होता। वाइल्ड टाइप का कलर डिफरेंट है। ये फैजी महमूद बैठे हैं यहां, पाकिस्तान के वाइल्ड टाइप और ग्रीन के अनडाउटेडली बेस्ट ब्रीडर है, ये सोसाइटी के चैंपियन भी हैं, और जो इनकी नजर है ग्रीन बर्ड को जज करने में वो पाकिस्तान में किसी और की नहीं। सेक्स लिंक है इसमें, मेल डोमिनेंट है, यानी मेल को किसी भी फीमेल के साथ हम लगाएंगे, यानी सादा ब्लू के साथ लगा देते हैं इसको, तो इसने पहले क्लच में जो फीमेल जाएंगी वो सारी की सारी अपलाइन आ जाएगी, क्योंकि ये डोमिनेंट सेक्स लिंक है। शेड्स है ठीक है, दिस इज लाइक इस म्यूटेशन को क्या कहते हैं, ऑफलाइन। तो और भी कई